हेलो गाइश, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइश, मुझे ऐसा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे रहना भी चाहिए। तो गाइश, आज मैं एक पॉइंट पे बात करने वाला हूँ कि अगर कोई आप लोगों में से कोई ब्लॉगिंग करना चाहता है, कि जैसे मैं भी ब्लॉगिंग करता हूँ, अगर इसी तरीके से आपको भी ब्लॉग करना है, तो अब हम लोग से इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होती है हमारे लिए जो ब्लॉगिंग करना चाहता है। तो ब्लॉगिंग करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को ज़रूरत होती है कि हमारे पास एक अच्छा सा स्टैंड होना चाहिए। स्टैंड कोई भी हो, आपको अगर हैंड से करना है स्टैंड, तो आपको एक स्टैंड होना चाहिए। और दूसरा नंबर पे आता है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि आपके पास एक अच्छा सा फ़ोन हो या कैमरा हो। कैमरा हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर फ़ोन है थोड़ा सा अच्छे क्वालिटी वाला फ़ोन होना चाहिए। और दूसरी बात अगर हम उस बात करें, तो दूसरा नंबर यह है कि हमारा जो होता है हैंड, जैसे मैं एक चीज़ हाथ में फ़ोन से मैं शूट कर रहा हूँ इस टाइम पर, तो अगर हम अगर फ़ोन से कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे लिए जो हाथ पकड़ने का यह हैंड जो फ़ोन होता है, इसको पूरी तरह से बैग में रखना है, ताकि पीछे की चीज़ें अच्छे से कवर हो सके। ठीक, तो उसके बाद होता है कि आपको अगर ब्लॉगिंग के लिए, दूसरी बात अगर आप एक अच्छा प्लेसिंग डाउन, जैसे आप कहीं जगह दिखाने के लिए, कोई जगह देखने के लिए जा रहे हो, अगर वहाँ का प्लेस करना है, तो सबसे पहले आपको बोलने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ हो जाएगा कि आप मार्केट से ब्लॉग शुरू करें। मार्केट में शुरू करने का आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको बोलने का हिडिटेशन होता है, वो ख़त्म हो जाएगा। और अगर आप वहाँ से स्टार्टिंग करते हो, तो काफ़ी आपको हेल्पफुल इस चीज़ से मिलेगा कि आप वहाँ के लिए थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाओगे बोलने के लिए, थोड़ा सा हेडिटेशन जो होता है वो ख़त्म हो जाएगी। और दूसरी बात कि अगर आप राइडिंग से करते हो ब्लॉग, तो वो तो आप बोलते टाइम कहीं भी कर सकते हो। तो गाइस, और दूसरी बात हमारे लिए ये भी इम्पॉर्टेंट है कि हम अगर कहीं कोई चीज़ के बारे में अगर बता रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज का मतलब उसके बारे में थोड़ा सा हमको पता होनी चाहिए कि चीज़ें क्या हैं, अच्छा बुरा उसके लिए। और दूसरी बात, आप कहीं भी जा रहे हो कर सकते हो, इजी है बहुत ज़्यादा। तो गाइस, मैं जैसे कि इस आज के लिए इतना भी ज़रूरी है कि आपको थोड़ा सा कैमरे को थोड़ा सा ऊपर रखना है, ताकि जैसे इस टाइम आप देख पा रहे होगे कि पीछे की चीज़ें ज़्यादा कवर हो पा रही हैं। और जब पीछे की चीज़ें ज़्यादा कवर हो पा रही हैं, तो चीज़ें लोग तो अट्रैक्टिव बनाते हैं चीज़ देखने के लिए। और बाकी आप कैमरे से आपको बात करना है, उसमें ज़्यादा कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं है। और कभी ये मत सोचना है कि कोई क्या सोच रहा है, कहीं भी बोलने के लिए बोल सकते हो आप, तो आपके लिए फ़ायदा है। आपको क्या मतलब है कोई क्या कह रहा है, ठीक काम पे है आपका, आप कर रहे हो। फाइनली जान लिया कि आपको ज़रूरी क्या होती है दो चीज़ें, कि सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको थोड़ा सा एक अच्छा सा फ़ोन होना चाहिए। हाथ से भी हो सकता है, फ़ोन से नहीं, स्टैंड की बहुत ज़्यादा नीड नहीं पड़ती, लेकिन अगर चाहो तो आपके पास स्टैंड होगा, थोड़ा सा पीछे की चीज़ें अच्छे से कवर हो जाएंगी। लेकिन आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि आपको बात सिर्फ कैमरे से करना है, और फ़ोन को थोड़ा सा या कैमरे को थोड़ा सा ऊपर रखना है बैक में, ताकि आपकी पीछे वाली चीज़ें जो अच्छे से ये चीज़ें सी कवर हो पाएँ। जैसे कि आप देख पा रहे होगे कि पीछे से ऐसे कवर हो जाए, अगर मैं नज़दीक में लाता हूँ तो सिर्फ मेरा फेस दिखता है, और फेस देखने से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, सब ज़्यादा ऐसे अगर पीछे से करेंगी तो चीज़ें ज़्यादा कवर होंगी, और ज़्यादा कवर बनाएंगी तो लोगों को देखने के लिए अट्रैक्टिव बनाएंगी। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बता दिया आपको कि फ़ोन को पीछे रखना है, एक अच्छा सा कैमरा रखना है आपको उसके पास। तो गाइस, अगर आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिल गया होगा। अगर आपको सीखने से कुछ मिल गया होगा, तो लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपको ब्लॉगिंग के लिए बहुत अच्छे से प्लेसिंग की जगह की आपको वीडियो मिलती रहेगी। तो आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा, ब्लॉग में आपको ये बता दिया कि आपको ब्लॉगिंग कैसे करना है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और डिस्क्रिप्शन में मैं अपने पीछे वाले ब्लॉग को, मतलब जो इसके पहले के ब्लॉग हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसको देखिएगा, और देखिएगा ब्लॉगिंग के लिए, उससे भी आप कुछ टिप्स सीख सकते हो। थैंक